सो हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू एडोग्रोन टेक फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल पे। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। आज की वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं, एज ए टीचर आपको आज के टाइम पे एक टेक्निकल टीचर बनने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ना, क्योंकि आज हर चीज़ें कंप्यूटराइज्ड होती चल रही हैं, ठीक है, और टेक्निकल होते जा रही हैं। आपको अगर किसी स्कूल में आप पढ़ाते हो या किसी कोचिंग सेंटर में आप पढ़ाते हो तो नोट्स बनाना, ठीक है, उसके बाद स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना, तो आप अगर पुराने जैसे टीचर्स हो तो बहुत दिक्कत आएगी यार आज के मॉडर्न टाइम में आपको सर्वाइव करने में। तो अपने आप को टेक्निकली भी इम्प्रूव कीजिए एज वेल एज थ्योरेटिकली, ठीक है। तो उसके लिए हमारा चैनल पूरी कोशिश करता है कि आपको नई से नई चीज़ें सिखाता चले एज अ टीचर। अगर आप टीचर हो, ऑनलाइन पढ़ाते हो, ऑफलाइन पढ़ाते हो, ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें हम आपको सिखाते रहते हैं जो आपको आगे फ्यूचर में कभी ना कभी जरूर काम आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पीडीएफ है किसी और कंपनी का या किसी और टीचर का, आपके पास पीडीएफ है, आप उससे अपना नोट्स बनाना चाहते हो, या आपके पास कोई फोटो है, उस फोटो में कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं और उस टेक्स्ट को आप कॉपी करके टाइप करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कॉपी करके आप उसको अपने वर्ड में, अपने पावर पॉइंट में, अपने स्टाइल में सजाना चाहते हो, तो यार कैसे करें। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये एक पीडीएफ है, एक चैप्टर का नोट्स है, किसी और के थ्रू बनाया गया। अब मैं चाहता हूं कि यार मैं इसका, इस चैप्टर का पावर पॉइंट बनाऊं अपने थोड़ा स्टाइल में, ठीक है, बट मैं इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये कॉपी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फोटो के फॉर्म में सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, सारे के सारे वर्ड्स जो है वो फोटो के फॉर्म में लिखे हैं, ये कॉपी हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मुझे तो चाहिए यार ये इन द फॉर्म ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ, या तो मुझे टाइप करना बैठना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो कैसे ये सब चीजें करते हैं, फोटोज से वर्ड्स निकालना, भले नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, हिंदी के लिए, संस्कृत, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज के लिए आप ये चीज कर सकते हो जो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूं, हाउ टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम इमेजेस एंड पीडीएफ, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना जिन्हें इस वीडियो की जरूरत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, आप डायरेक्ट गूगल ड्राइव के थ्रू भी ये चीज कर सकते हो। और अगर आपके आपका जो लैपटॉप है, आप लाइक विंडो 10 वाले लैपटॉप है या विंडो 7 वाला, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है अगर परचेस्ड है, नहीं है तो क्रैक्ड है आपके पास, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल, वर्ड, वन नोट, ये सब सॉफ्टवेयर्स होंगे एमएस ऑफिस के। जैसे मैं अभी ओपन करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑफिस में, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अवेलेबल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एसएस, है ना, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होता है, ठीक है। वन नोट नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है, काफ़ी काम आपकी हेल्प करेगा। तो मैं पहले वन नोट से आपको दिखाता हूँ, फिर आपको गूगल ड्राइव से भी डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। वन नोट अगर आपके पास नहीं है तो भी आप कर सकते हो ये चीज़। इसके लिए सबसे पहले आपको वन नोट आपको ओपन कर लेना है, तो ये मैंने वन नोट ओपन कर लिया, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो भी इमेज है उसको यहाँ पे डालना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये पीडीएफ है फॉर एग्जांपल, ये जो चीज़ें हैं मुझे चाहिए, तो मैं लैपटॉप में क्लिक करता हूँ, ये स्निपिंग टूल SNIP सर्च करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ, स्निपिंग टूल को ये करता हूँ और इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ इतने, है ना, और इसको सेव कर लेता हूँ वन लिख कर, ठीक है, डेस्कटॉप पे। उसके बाद इसको मिनिमाइज करके वन नोट वापस से मैं ऑन करता हूँ, ये ऑन कर दिया, ठीक है, वन नोट वापस से ऑन करता हूँ। पहले जो पुराना था आई थिंक इसको डिलीट कर देते हैं, कट, ठीक है। तो अभी मैं जो फोटो को डाउनलोड किया था, मतलब स्नैपिंग टूल करके उसको डाउनलोड किया था, उसको मैं इंसर्ट करूंगा, तो इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ पिक्चर में, और डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था, कहाँ है वो फोटो, ये रहा वो फोटो, इस फोटो पे क्लिक करके इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने जो फोटो लिया था वो फोटो आ चुका है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे फोटो पे, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर, ये मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यू टैब ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके
कंट्रोल वी, लैपटॉप में आपको कंट्रोल वी प्रेस करना है या फिर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, पेस्ट कर दीजिए। देखिए सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, लॉज ऑफ मोशन और ये सारे वर्ड्स, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, लॉज ऑफ मोशन, उसके सारी पार्ट्स। और उसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट पे और नीचे कर लेता हूँ, तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारा का सारा जो कंटेंट है वो वर्ड्स के फॉर्म में आ गया। अब मैं बड़े आराम से इन कंटेंट को क्या कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, इन कंटेंट को बहुत बहुत आराम से कॉपी कर सकता हूँ। और अगर मुझे नोट्स बनाना है पावर पॉइंट में, तो मैं इसको पावर पॉइंट में आराम से इन सारे के सारी चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ, जल्दी से एक ब्लैंक पेज ओपन कर लेता हूँ, है ना, और एक न्यू स्लाइड लेके अभी देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ क्लिक करके अब मैं यहाँ पे जो कॉपी किया था कंट्रोल वी दबाकर पेस्ट कर दूंगा, ये आ गया। अब मैं बड़े आसानी से इसको अपने मन मुताबिक नोट्स के फॉर्म में सजा सकता हूँ, लाइक ये हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ फेसेस एक्ट ऑन दैम, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ये इसका जो अप्रोक्सीमेशन है कन्वर्जन का, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखो एफ ई सी ई एस लिख के आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे नोट्स में देखना यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे फोकस लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख के आ रहा है फेसेस। तो जो इसके वर्ड कन्वर्ट करने के बाद जो वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, टेक्स्ट जो देखने को मिलते हैं, वो कन्वर्जन रेट जो है ना, एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पे 95% एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो वर्ड्स है वो बड़ी आसानी से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ये नहीं पकड़ पाता है तो उसको गलत सलत प्रिंट कर देता है। तो कोई बात नहीं, आप इतना ज़्यादा टाइप करते, इससे अच्छा दो तीन वर्ड्स तो उसमें से टाइप करना होगा, बाकी तो आपका काम हो चुका है, ठीक है। तो ये पहला तरीका है किसी भी फोटो इमेजेस में से कन्वर्ट करना। अभी मैं आपको गूगल क्रोम ओपन करके कुछ हिंदी थॉट्स लिखता हूं, है ना, हिंदी टी एच ओ यू जी एच, हिंदी हिंदी टेक्स्ट भी मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूं। तो ये इमेज पे जाता हूं, है ना, और यहां से डाउनलोड कर लेता हूं ये वाला, ठीक है। अगर सूरज की तरह चमकना है तो तपन सहना पड़ेगा, क्या डायलॉग है, वाह। सेव करते हैं इसको डेस्कटॉप पे, अपने सेव कर लेता हूं मैं, वापस से वन नोट ओपन करता हूं, इसको तो पूरा पूरा मैं कट कर देता हूं, इसमें जाता हूं, इसको भी मैं राइट क्लिक करके कट कर देता हूं, वापस से यहां क्लिक करके इंसर्ट पे चलते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हैं और जो डाउनलोड किया था हमने ये थॉट, इसको अंदर लाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर करते हैं, न्यू सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी दबाकर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो इंग्लिश वर्ड है इसने उसी को पकड़ा, हिंदी वर्ड्स को नहीं पकड़ा, ठीक है। तो पहले तो थोड़ा सा देखते हैं, इसको एडिट करने की कोशिश करते हैं कि ये इमेज एडिट होगा क्या, मेक टेक्स्ट इन इमेज सर्चेबल, ठीक है, हमें हिंदी में भी चाहिए इसको, ओके। एक और इमेज मैं जरा करके देखता हूँ, ये पूरी तरीके से हिंदी लिखा हो जहाँ पे, लाइक दिस, ये ठीक लग रहा है, राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज करते हैं, सेव, वन नोट पे चलते हैं, कट। कभी कभी इसको मिर्गी मार देता है, कुछ नहीं किया जा सकता है इसके लिए, है ना। दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा मैं, उस फोटो को जो है ना पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, इंसर्ट पिक्चर्स, कहाँ गया भाई, ये था, राइट क्लिक, कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर, इधर जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी दबा के पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट करने पे ये नहीं आया। अब देखो कुछ कंप्यूटर में आपके ये शो करेगा, मेरे में शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अपना हिंदी टेक्स्ट अपने लैपटॉप में डाउनलोड करा ही नहीं है, है ना। हिंदी टेक्स्ट जो फॉर्मेट है मैंने लैपटॉप में अपने रखा ही नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ता है, दैट्स वाई मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो हिंदी वाली चीजों को नहीं पकड़ रहा। बट जो दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें देखना ये बड़े अच्छे से काम करेगा, क्योंकि गूगल ड्राइव गूगल के डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से हम करेंगे तो वहां पे हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता है, गूगल के पास सारे लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो आप कोई भी अपना गूगल ड्राइव ओपन कर लीजिए, लॉग इन कर लीजिए, लॉग इन करने के बाद यहां से इस तरीके से आके अपना गूगल ड्राइव ओपन कर लीजिए और इस ड्राइव में आप जो भी फोटो को कन्वर्ट करना चाहते हैं आपको उस फोटो को अपलोड करना है, फाइल अपलोड, मैं यहाँ फोटो अपलोड कर लेता हूँ, जो हिंदी वाला मैं आपको दिखा रहा था ये हिंदी वाला फोटो को अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है।
ये फोटो अपलोड हो रहा है, उसके बाद आपको फोटो पे राइट क्लिक करना है, ओपन विथ पे जाना है और गूगल डॉक पे क्लिक करना है। जैसे करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी देर में लोड होने के बाद सारा के सारे जो वर्ड्स हैं आपको यहाँ पे वर्ड के फॉर्मेट में, वो फोटो जो है वर्ड के फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा। ओके, तो ये फोटो आ गया, इसके नीचे में आप देख सकते हो ये देखिए वर्ड्स आ गया, क्या क्या है यहाँ पे देखिए, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान, देखो यहाँ पे आ गया, कॉपी कर सकते हो आप, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ, ठीक है, इंसान कभी नहीं जीत सकता, है ना, देख लीजिए आ गया। ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है मैं इसको मुझे जरूरत है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, कंट्रोल सी दबा के कॉपी, और पावर पॉइंट में चाहिए मुझे तो पावर पॉइंट में मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ये देखिए आ गया, ठीक है, अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो दूसरा मेथड बहुत अच्छा है, दूसरा मेथड जो है गूगल डॉक, क्योंकि गूगल के सॉफ्टवेयर में हम कर रहे हैं ना, गूगल के पास तो सारे लैंग्वेज हैं तो उसको डाउनलोड करने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, अभी मैं क्या करता हूं, अगेन पीडीएफ को कन्वर्ट, पूरा का पूरा एक पीडीएफ को कन्वर्ट कर देता हूं वर्ड में, ठीक है, तो इसके लिए राइट क्लिक करता हूं, फाइल अपलोड करता हूं यहां पे, है ना, और इसके बाद एक जो चैप्टर था फोर्स वाला जो मैं चैप्टर दिखा रहा था उस पूरे के पूरे पीडीएफ को एक बार में कन्वर्ट कर देंगे टेक्स्ट में, ठीक है, कहां है वो पीडीएफ, ये रहा, ओपन कर लेते हैं इसको, यहां पे लोड हो रहा है, ये आ गया पीडीएफ, पीडीएफ पे राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ पे जाते हैं, ओपन गूगल डॉक के थ्रू हम इसको ओपन करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, और जितने भी आपने आपकी पीडीएफ में वर्ड्स जो कॉपी नहीं हो रहे थे वो सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे शो अप करने लगेंगे, और बड़े आराम से आप उसको कॉपी करके आप अपने नोट्स में या फिर जहां भी हैं वहां पे आप उसको यूज कर पाओगे, ठीक है, बहुत बड़ा पीडीएफ है तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, तो ये देखिए, ठीक है, सारे के सारे जो थे आप चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना, सारे के सारे पूरा का पूरा पीडीएफ जो है यहाँ पे वर्ड्स में आ गया। यहाँ भी एक्यूरेसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा यहाँ, क्योंकि वो इमेजेस था, अब जो वर्ड्स हैं सारे के सारे वर्ड्स कॉपी तो मतलब कन्वर्ट तो हो गए हैं, बट यहाँ पे थोड़ा आपको ढूंढने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि कन्वर्ट होने टाइम थोड़ी बहुत एरर या ऊपर नीचे टेक्स्ट हो जाते हैं, बट आप बड़ी आसानी से अब इनको आप इन टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो ये दो मेथड हैं। पीडीएफ को वनडर नोट के थ्रू कर सकते हैं क्या, तो हम मैंने कोशिश किया था करने का, है ना, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी, मतलब बहुत कम एक्यूरेसी आ रहा था, हो पा रहा था तो दिक्कत हो जा रही थी, और अगर मतलब एक तो हो ही नहीं पा रहा था और हो रहा था तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। तो जब पीडीएफ को आपको कन्वर्ट करना होगा तो आप डायरेक्ट गूगल ड्राइव से ही करना, ठीक है, अदरवाइज फोटोज वोटोज को करना है तो आप वन नोट बड़े आसानी से कन्वर्ट कर देता है, एक्यूरेसी भी अच्छा खासा, ठीक है, तो ये दो मेथड मैं आपको बताया हूं। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, और अभी हेल्पफुल नहीं है तो फ्यूचर में अगर आप टीचर हो तो जरूर से जरूर हेल्पफुल होगा, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।